भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव राजनीति में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है, जिसके बाद उनके फैंस उनके चाहने वाले काफी खुश हैं। अब ऐसे में उनके जोड़ीदार खुश ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं आम्रपाली दुबे की, जो हमेशा निरहुआ के इर्द गिर्द नजर आते हैं। राजनीति में तो भाई आम्रपाली को साथ लेकर निरहुआ जाएंगे नहीं, लेकिन इस बात की आम्रपाली को कोई परेशानी नहीं है। वो चाहती हैं कि निरहुआ हमेशा आगे बढ़ते रहें। हाल ही में निरहुआ का फिल्म के सेट पर उन्होंने बड़े धूमधाम से मिठाई खिलाकर आरती उतार कर स्वागत किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब फिल्म के सेट पर निरहुआ पहुंचे तो आम्रपाली बहुत खुशी हुई। केक काटकर जश्न भी मनाया गया। आम्रपाली ने इस दौरान एक इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा मानती हैं। अभी तक के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आम्रपाली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लगे हैं। साथ ही जब राजनीति में उनके आने का सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा कोई आइडिया नहीं है, मुझे अभी थोड़ा और काम करना है अपने ऊपर, थोड़े नाम को और फेमस करना है ताकि मैं राजनीति में आऊं तो उस पार्टी को मुझसे फायदा भी पहुंचे। जब उनसे कहा गया कि फीमेल कौन सी लीडर आपको प्रभावित करते हैं तो आम्रपाली ने बिना समय लिए स्मृति ईरानी का नाम लिया और कहा कि मैं उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी बात को रखने के अंदाज से काफी ज्यादा प्रभावित हूँ। अगर मैं भी कभी आऊंगी राजनीति में तो मैं बीजेपी की पार्टी हो सकता है ज्वाइन करूं, और हर एक नागरिक को करना चाहिए ताकि अगर वो ऐसी पर्सनैलिटी है जो लोगों तक पहुंच सकती है, अपने कुछ अच्छी बातों से लोगों को रिझा सकती है, तो उसे राजनीति में जरूर जाना चाहिए और साथ ही ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए जो देश के बारे में सोचता हो। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।